अब दिल्ली में क्या हुआ है, किसी ने मोदी जी को जाके बता दिया जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए आम आदमी पार्टी वालों ने, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं वो रो रहे हैं जी कि जी हमारी तो एडमिशन ही ड्रॉप हो गई, कम हो गई, क्योंकि सरकारी इतने अच्छे हो गए, कुछ करो। तो मोदी जी ने कहा किसने बनाए जी, मनीष सिसोदिया ने बनाए, अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर अस्पताल अच्छे कर दिए तो प्राइवेट अस्पताल वाले बोले हम आपको इतने करोड़ों का चंदा देते हैं जी, लोग तो सरकारी अस्पताल में दिल्ली में इलाज करा रहे हैं क्योंकि वही मशीनें वही डॉक्टर उनके पास हैं, बल्कि हमसे अच्छे ही हैं। तो हमारे पास तो मरीज नहीं आ रहा कोई, उधर मुफ्त इलाज हो रहा है, हमारे पास मरीज नहीं आ रहा। तो मोदी जी ने पूछा किसने बनाए, बोले सतिंदर जैन ने बनाए, अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर है जी। उसके बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल जहां भी जाता है, चाहे हरियाणा जाए, मध्य प्रदेश जाए, छत्तीसगढ़ जाए, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी, वहां वो सच बता देता सारा कुछ। तो क्या करें, कहते अंदर कर दो। अंदर कर दिया भाई साहब केजरीवाल को। लेकिन मैं कहना यहां पे दो चार भाजपा वाले भी आए होंगे, आए होंगे, दो चार तो आए ही होंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अपने आकाओं को बोल देना कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये लॉलीपॉप देते हैं, शायद इससे काम बन जाए लोग इधर ही। अभी क्या किया, अभी इलेक्शन आने वाला है हरियाणा का, आपको लॉलीपॉप देंगे, 100 रुपये का कुछ सिलेंडर सस्ता कर देंगे, कोई 200 रुपये का कोई और चीज सस्ती कर देंगे। पहले महंगा कर देते हैं, 1000 रुपया महंगा करके 100 रुपया छोड़ देते हैं, कहते देखो सस्ता कर दिया। लेकिन 1000 रुपया महंगा किसने किया था, वो वाली बात है। एक घर में शादी थी, ये बात चौपाल में बता देना कि भगवंत मान आया था, लॉलीपॉप में मत आना, आने वाले दिनों में आपके पास ऐसे लॉलीपॉप लेके आएंगे। एक घर में शादी थी लड़की की, अच्छा खासा जिम्मेदार घर था, लाडली बेटी थी, अच्छा पैसा खर्च करेंगे। तो उन्होंने बेटी को देने के लिए अच्छे बड़े टेलीविजन, बढ़िया अलमारियां, सोफे, बड़े जेवरात, चांदी के सोने के इकट्ठे किए, खरीदे कि बेटी को जब विदा करेंगे साथ में देंगे, लाडली बेटी है। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, डाकू ट्रक लेके आए, सब सोफा, सब जो अलमारियां थी, और लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, जितना सामान था ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा मुझे ये बताओ लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है। उनका सरदार ये कमरे में बंद है, खोलो। खोले, अंदर गए, डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है। एक लड़की खड़ी हुई डरी डरी डरी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उसको शगन दिया, बोले बेटा बहुत तंदुरुस्त रहो, जोड़ी आपकी बनी रहे, परमात्मा खुशियां आपको दे, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। चले गए लूट के। अगले दिन पुलिस आई, घर का एक भी बंदा, जिस घर में डाका पड़ा था भाई साहब, उस घर का एक भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं था। कहते जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। ये काम मोदी करता है भाई साहब कि 4.5 साल लूटता है, उसके बाद 100 रुपये शगन दे देता है, मैं आपका सिलेंडर सस्ता कर दिया। तो ऐसे शगनों में मत पड़ना, इस बार झाड़ू है, और झाड़ू चुनाव चिन्ह ऐसा है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, माओं बहनों को बताने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। लेकिन आप लोग खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कि कहां पड़ा है।
तो इस झाड़ू से पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।